सारे सेक्टर स्टॉक्स पर हमने चर्चा किया। बाजार देखिए अभी भी कहीं ना कहीं 8600 को छूने की कोशिश कर रहा है, 8580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स है जहां पर आज एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। ऑटो शेयर देखिए कहीं ना कहीं वहां टॉप गियर में है, तमाम ऑटो स्टॉक देखिए जहां खरीदारी देखने को मिली, टॉप गियर ऑटो स्टॉक्स है बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अशोक लैंड, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। टाटा मोटर्स डीबीआर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। किरण, जिस तरह से हमने देखा है ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है, काफी दिनों के बाद एक साथ पूरी ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी लौटी है, कोई ऑटो स्टॉक पसंद है कि आपको? टू व्हीलर क्षेत्र में दो तीन स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे चार्ट्स पे, जो बहुत अच्छे ट्रेंड में है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, सारे के सारे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात करें तो फोर व्हीलर स्टॉक्स में मारुति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके साथ ही साथ अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा, जो कि आपको ये जो मानसून सीजन है इसके चलते बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आपका ध्यान रखना चाहिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको जो क्रॉस करेगा तब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। 1480 लेवल है, 1480 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, बहुत बड़े टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए, और जब ये ब्रेकआउट होगा तब स्टॉप लॉस 1465 का रहेगा, तो यानी छोटा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट के तौर से इजीली हम 1600 के ऊपर अगले दो तीन महीने में हम ये स्टॉक जाते हुए देखेंगे। अगर हम ट्रेडिंग के नजरिए से कोई स्टॉक देखना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है किरण को सबसे ज्यादा पसंद, उनको लगता है यहाँ बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी वो ट्रेडिंग के पर्पज से मानते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, हीरो मोटोकॉर्प में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने के लिए, ऑटो सही स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं किरण, जहाँ ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी, ऑटो सही स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, तमाम ऑटो सही स्टॉक्स देखिए, ऑटो लाइट इंडिया, ऑटो लाइन इंडिया, प्रिकॉल, मिंडा कॉर्प, गैब्रियल जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ की आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इन पांचों स्टॉक्स जिसकी मैंने चर्चा की, क्या इसमें आपको कोई पसंद है या इसके अलावा कोई ऐसा शेयर है जहां आपको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ऑटोलाइट और ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज दोनों ही अच्छे स्टॉक्स है, पर ये बहुत चल चुके हैं। वैसे ही प्रिकॉल का ही बात है कि वहां पे भी हमने बहुत तेजी देखी है और मैंने पहले भी ये स्टॉक रेकमेंड किया है। मेरा अभी के लिए पसंदीदा स्टॉक गैब्रियल रहेगा, जहां पे आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। एक 96-97 का एक ब्रेकआउट है, उसके बाद ये स्टॉक चलना चालू कर दिया है, और 102 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसके बीच ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा था, और कल परसों के ट्रेड में ये लेवल भी क्रॉस कर दिया है, तो इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो 100 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 99 का स्टॉप लॉस बना के ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए डिलीवरी बेसिस पे, और इसके टारगेट इजिली 120-130 आपको अगले दो तीन महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये एक मार्केट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा अगर हम ऑटो एंसरी की बात करें। वैसे ही ट्रेडिंग के व्यू से हिसाब से एक्साइड एक बहुत अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। एक्साइड की बात करें तो ये भी स्टॉक बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न के साथ चल रहा है, और अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट करीबन 9% की आज बढ़त देखने को मिल रही है, तो इसमें भी 179 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, टारगेट्स 187-189 के कल तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो गैब्रियल और एक्साइड दो ऐसे शेयर होंगे जो किरण को पसंद है, उनको लगता है दोनों शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन अब मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं कुछ एक ऐसे कंपनी को लेके जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। सुमित, रोज अगर आप एक कंपनी के बारे में बताते हैं जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं, और कमोवेश हम देख भी रहे हैं कि नतीजे बेहतर देखने को मिल रहे हैं, आज कौन सी कंपनी को लेकर आएँ? शुक्रिया मनीष, आज जो कंपनी चुन के लाए हैं वो एलिकॉन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग स्पेस की एक कंपनी है, अच्छे नंबर्स की उम्मीद स्टैंड लोन बेसिस पर एटलीस्ट लगा सकते हैं। 26 जुलाई को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और स्टैंड लोन आधार पर देखा जाए कंपनी का मुनाफा करीब 2 से 3 गुना तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिक्री फ्रंट पर भी आंकड़ा 90% के आसपास ही ग्रोथ दिखा सकता है, तो एक अच्छे नंबर्स बिक्री फ्रंट पर भी और मुनाफे फ्रंट पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट सब्ड्यूड है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ मोरलेस उसी रेंज के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ेगी। इनपुट कॉस्ट को कंपनी ने हालांकि आउट किया है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पर आएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 3 से लेकर 4% के आसपास बढ़त दिखा सकते हैं इस तिमाही के लिए, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है मोर लेस स्टेबलाइज होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो जो अन्य खर्च कंपनी का वो थोड़े काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी के 3 प्रोमिनेंट कारोबार जिसमें मटीरियल हैंडलिंग कारोबार, ये थोड़ा सब्ड्यूड रहा था पिछले कुछ समय में, लेकिन हो सकता है इस कारोबार के अंदर कुछ अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े, थोड़े अच्छे नंबर शायद कंपनी के मटीरियल हैंडलिंग कारोबार के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ईपीसी कारोबार जो कंपनी ने रिसेंटली डीमर्ज किया है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो वहां पर भी जो आंकड़ा थोड़ा सुधार दिखा सकता है इस क्वार्टर के लिए, तो ईपीसी और मटेरियल हैंडलिंग कारोबार, ये दोनों कारोबार जो है उनमें कुछ एक अच्छे आंकड़े की उम्मीद लगाई जा सकती है। और जिन रिपोर्ट को रिफर किया गया उसमें एंजल की रिपोर्ट रहेगी, उन्होंने टारगेट दिया करीब 85 रुपए का।
कहने का एलिकॉन इंजीनियरिंग बेहतर नतीजों की उम्मीद, नतीजों से पहले जो है एंजल ने की खरीदारी की राय भी है, 85 रुपये का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। किरण, टेक्निकली अगर देखें तो एलिकॉन में आपको यहाँ से कितनी तेजी और दिख रही है? एलिकॉन इंजीनियरिंग में बेसिकली इधर से और भी तेजी हो सकती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, पर अगर मीडियम टर्म चार्ट देखे तो वह एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 66-67 लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। जब तक इसकी ये क्रॉस नहीं करता तब तक ये बहुत बड़ी मूव ये स्टॉक देगा नहीं, पर एक बार ये क्रॉस कर दे तो जो हमने गिरावट देखी थी करीबन दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक, जो कि 90 से लेके 45 रुपीस तक ये स्टॉक नीचे आया था, तो वो सब सारे का सारा ऑफसेट करता दिखाई देगा और वापस एक बार टारगेट सबको 85-90 के देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एग्रेसिव बायर रहूंगा 67 के ऊपर। कहने का शेयर अभी देखिए किरण डे हाई पे आ गया, हो सकता है कि आज सेकंड हाफ में शेयर जो है आपके 67 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार भी कर सके। आज देखिए किरण खासतौर पे छोटे मौजूदा सीमेंट शेयर देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, खासतौर पे बारक वैली सीमेंट, बनपुन सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, KCP लिमिटेड जैसे छोटे मौजूदा सीमेंट स्टॉक्स है, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसमें से कोई शेयर पसंद है क्या आपको? वैसे अगर कोई पसंद करना ही है तो प्रिज्म सीमेंट को पसंद करूंगा, जहां पे एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। प्रिज्म सीमेंट में अगर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करता है तो 104.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट्स के लिए 112-113 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती प्रिज्म सीमेंट जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन आज से कहीं ना कहीं मानसून सत्र शुरू हो चुका है और मेडिको के हर्ष मारेमाला सीधे तौर पर मानते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है GST बिल को पास कराने की कोशिश करेगी और GST बिल पास जैसे ही होगा इकोनॉमी को एक रफ्तार मिल सकती है, हालांकि ये रफ्तार मिलने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए एक तो GST बिल से बहुत टाइम से अभी GST में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो बिल तो शायद पास होगा मगर उसके बिल के पास करने के बाद में भी बहुत स्टेप लेने हैं गवर्नमेंट को, यानी कि क्या GST रेट होगा, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होगा, मेरिट लिस्ट में कौन से आइटम जाएंगे उसका रेट क्या होगा, एग्जम्पशन लिस्ट में क्या होगा, तो अभी बहुत काम बाकी है उसका। तो ये बिल पास होने से ऐसा नहीं लगता है कि GST हो जाएगा कंप्लीटली, नो, तो अभी भी कई स्टेप्स करने के हैं। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम से कुछ बिल अटक गया है मगर उसके बाद में जब रेट का डिसाइड करने का टाइम आएगा तभी स्टेट के सब कई स्टेट के कुछ डिस्टेंस ओपन हो सकता है और मेरे हिसाब से 18% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आप जो बोल रही है कांग्रेस वो इज नॉट राइट, बिकॉज सबसे पहले तो क्या रेट होना चाहिए मेरिट लिस्ट में वो डिटर्मिन करने का है, क्योंकि एक 18% में कैप लगाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे तो मेरिट लिस्ट जो एसेंशियल कमोडिटी में इंक्लूड हो रहा है उसका रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे कॉमन आदमी को बहुत इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से द होल डिबेट अबाउट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज रॉन्ग, स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट इज द मेरिट लिस्ट, व्हाट आइटम्स गेट इनटू मेरिट लिस्ट, व्हाट इज द रेट फॉर मेरिट लिस्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन एसेंशियल कमोडिटीज एंड ऑल दैट एंड देन द रिजल्टेंट gap which is in revenue should be made up by revenue.